बुलडोजर आजकल देश में बन चुका है। जो बुलडोजर पहले निर्माण कार्यों और अवैध अतिक्रमण को तोड़ने के लिए चलता था, अब उसी बुलडोजर से दंगाइयों, रेप के आरोपियों और पत्थरबाजों के ठिकाने कुचले जा रहे हैं। ये जाति और धर्म नहीं देख रहा, ये मोहित खान पर भी चल रहा है और नवाब सिंह यादव पर भी। अयोध्या में रेप के आरोपी मोहित खान के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अवैध हिस्से को गुरुवार को प्रशासन ने गिरा दिया। उत्तर प्रदेश के कन्नौज में रेप के एक और आरोपी नवाब सिंह यादव के रिश्तेदार पर भी बुलडोजर एक्शन किया गया। कोल्ड स्टोरेज के अवैध हिस्से को तोड़ दिया गया। इसके अलावा आज मध्य प्रदेश के छतरपुर में पत्थरबाजी के आरोपी शहजाद हाजी के आलिशान घर को भी बुलडोजर ने चूर चूर कर दिया। दावा है कि वहां भी बड़े स्तर पर अवैध निर्माण किया जा रहा था। छतरपुर में गुरुवार को प्रशासन ने एक आलिशान घर को घंटों के अंदर चूर चूर कर दिया। ये महलनुमा घर पत्थरबाजी के एक आरोपी का था। इसका नाम है हाजी शहजाद अली। प्रशासन का दावा है कि इस घर का निर्माण अवैध तरीके से किया गया। यह आलिशान बंगला इतना बड़ा था कि इसे तोड़ने के लिए प्रशासन ने एक नहीं बल्कि कई बुलडोजर काम पर लगा दिए। ये भव्य बंगला 20,000 वर्ग फीट की जमीन पर बना हुआ था। कुछ घंटे में ये एक खंडर में तब्दील कर दिया गया। प्रशासन की कार्रवाई से पहले शहजाद अपने परिवार के साथ फरार हो चुका था, जबकि अधिकारियों ने सिर्फ पत्थरबाजी के आरोपी शहजाद अली का घर ही नहीं तोड़ा बल्कि करीब 1 करोड़ की कुल कीमत वाली 3 महंगी गाड़ियों को भी कुचल कर रौंद दिया। कुछ ही मिनटों में कारों का कबाड़ा बना दिया। अब आइए जानते हैं कि मामला क्या है। बीते 21 अगस्त की बात है, जब इस्लाम पर एक शख्स ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी, जिसके चलते मुस्लिम समुदाय में नाराजगी थी और मुस्लिम समुदाय की तरफ से लोग थाने में ज्ञापन देने गए थे। इसके लिए बकायदा लेटर छपवाए गए थे और ज्यादा से ज्यादा लोगों को थाने में बुलाया गया। तभी ये बातचीत को लेकर कुछ बातें ऐसी हुई कि बवाल हो गया। बवाल होते ही लोगों ने पुलिस पर पथराव करना शुरू कर दिया। इसमें कई पुलिस वाले घायल हो गए। बताया जा रहा है कि इस पत्थरबाजी का मुख्य आरोपी हाजी शहजाद था। उसी की अगुवाई में थाने के अंदर से बवाल हुआ। इसके बाद प्रशासन ने उसके बंगले पर बुलडोजर एक्शन कर दिया और उसके बंगले को गिरा दिया। सवाल ये भी है कि जबकि यह अवैध बंगला तैयार किया जा रहा था, तब प्रशासन गहरी नींद में क्यों था? क्या तब किसी विशेष व्यवस्था के तहत अधिकारियों की जुबान बंद कराई गई थी? फिलहाल ये जांच का विषय है। मध्य प्रदेश के साथ ही उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भी गुरुवार को बुलडोजर ने अवैध निर्माण को रौंद दिया। ये अवैध निर्माण था गैंगरेप के आरोपी मोहित खान का। प्रशासन ने मोहित के शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के एक तिहाई हिस्से को मिट्टी में मिला दिया। दावा है कि निर्माण तालाब की जमीन पर अवैध तरीके से किया गया था। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ वेल इंडिया।